नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सारे लोग बढ़िया और अच्छे होंगे। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग कई बार पूछते हैं कि रवि सर, आपके ऑफिस आने का जो समय है क्या है, टाइम टेबल क्या है, और किस दिन हम आ सकते हैं, किस महीने आ सकते हैं। तमाम प्रकार के सवाल जो है आपने कई बार कमेंट सेक्शन में भी लिखकर पूछा है, कई बार आपने फोन करके भी पूछा है, कई बार आपने व्हाट्सएप पे भी पूछा है, कई बार आपने टेक्स्ट मैसेज सादा मैसेज भी किया है हमारे यहाँ। तो आइए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगा। देखिए भाई साहब, हमारे ऑफिस में सुबह के या दोपहर के करीब 12 बजे से लेकर शाम को 4 बजे के बीच में आप हमारे ऑफिस में एंट्री कर सकते हैं। 12 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में आप हमारी ऑफिस में एंट्री कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी ऑफिस जो सुबह के 10 बजे ही ओपन हो जाती है, लेकिन साफ सफाई करने, स्टाफ को मैनेज करने में, काम प्रोसेस होने में समय लग जाता है। इसलिए जो भी व्यक्ति ऑफिस आना चाहते हैं उनके लिए टाइम निर्धारित किया गया है। कृपया आप 12 बजे के बाद ऑफिस में आ सकते हैं, और शाम को 4 बजे से पहले, क्योंकि दोस्तों शाम को 5 बजे ऑफिस से स्टाफ जो है वो जाना चालू कर देते हैं, इसलिए शाम को 4 बजे तक ही समय सीमित किया गया है कि 12 बजे से 4 बजे के बीच में आप हमारी ऑफिस, हमारी ब्रांच में एंट्री कर सकते हैं। दिन की बात करें तो दोस्तों, आप किसी भी दिन आ सकते हैं। संडे, मंडे, सोमवार, मंगलवार, रविवार, इतवार, फ्राइडे, शुक्र, एवरीडे ओपन है। ठीक है, हमारी ऑफिस कभी भी बंद नहीं रहती है, साल के 365 दिन ओपन रहती है। यहाँ बीच में कोई फेस्टिवल हो गया, त्यौहार हो गया, जैसे होली, दीपावली, जो खास त्यौहार होता है, इस त्यौहार के दिन, इस फेस्टिवल के दिन जो है ऑफिस क्लोज रहती है। अदरवाइज साल भर में लगभग 365 साल भर में हमेशा जो है ऑफिस ओपन ही रहती है। आप कभी भी आ सकते हैं, किसी भी दिन आ सकते हैं। टाइम 12 से 4 बजे के बीच में आप कभी भी किसी भी महीने में किसी भी दिन आइए, लेकिन 12 बजे से लेकर शाम को 4 बजे के बीच में ही आपको आपको ऑफिस में एंट्री मिलेगी। उससे पहले और उसके बाद ऑफिस में एंट्री नहीं मिल सकती। रही बात आप ऑफिस कैसे आ सकते हैं, कैसे नहीं आ सकते, हमारी ऑफिस कहाँ है, एड्रेस क्या है, ये सारी चीजें जो है हमने कहीं ना कहीं अपने ऑफिशियल जो हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम रिश्तों की दुनिया, वहां पे आप जाइए, फेसबुक, गूगल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, कहीं भी जाइए आप, वहां पर बोलकर, लिखकर, टाइप करके, सर्च करके आप मंगाइए रिश्तों की दुनिया। तो दोस्तों, वहां पे आपको हमारे जो चैनल्स हैं, हमारे चैनल का जो एड्रेस है, हमारी ऑफिस जो एड्रेस है, सब कुछ आएगा। फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो दोस्तों, मैं आपको सरल शब्द में बताना चाहूंगा कि कैसे आप हमारे ऑफिस का एड्रेस खोज सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। मान लीजिए इसी प्रकार का आपके भी पास कोई एक मोबाइल होगा, फोन होगा, ठीक है, अब जिसमें YouTube है। अब हमने YouTube खोला, आप भी हो सकता है YouTube खोलेंगे, ठीक है। अब YouTube खोलने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है, आखिरकार YouTube खोलने के बाद दोस्तों बस कुछ नहीं, आपको यहाँ पे जो सर्च वाला एरिया है इसको आप टच कीजिए। यहाँ अगर आप लिख सकते हैं तो लिखिए, अगर लिख नहीं सकते हैं तो यहाँ पे देखिए बोलने का भी ऑप्शन दिया रहता है, यहाँ ऊपर है, मैंने इसको टच कर दिया, कुछ ऐसा बोलने के लिए आएगा। अब जैसे मैं कह देता हूं, अभी जैसे मैंने कहा रिश्तों की दुनिया या रवि सर का ऑफिस का एड्रेस, ये देखिए आपके सामने सारी चीज आ गई, ठीक है, आपके सामने सारा जो है वीडियो आ गया ऑफिस के बारे में, जिसमें पूरी हो सकता है कि जानकारी हमने स्पष्ट आपको बताया। तो इन वीडियो को जाके देख लीजिए, ठीक है, इन वीडियो को जाके देखिए जहां पे हम ऑलरेडी ऑफिस के बारे में, ऑफिस की फीस है, कैसे आना है, कब आना है, ऑफिस का एड्रेस क्या है, लोकेशन क्या है, कब आ सकते हैं, कौन आ सकता है, किस किस लोगों का शादी विवाह हो सकता है, तमाम प्रकार की वीडियो आएंगी हमारी, जहां पे ऑलरेडी हमने बहुत सारे सवालों को ऑलरेडी कवर किया हुआ। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ लिखा हुआ ना भाई साहब, इस प्रकार से आप जाके सभी वीडियो को देख लीजिए, वहां आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। फिर भी अगर किसी प्रकार का डाउट होगा, कंफ्यूजन होगा, तो दोस्तों आप जो नीचे हमारे ऑफिस का कॉन्टेक्ट नंबर दिखाई दे रहा है, इस नंबर पर फोन करके आप जानकारी ले सकते हैं, हमारी टीम आपकी पूरी सहयोग करेगी। थैंक यू सो मच दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद, जानकारी अच्छी लगी है। तो दोस्तों प्लीज इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को आप आग पे सेट करके रख लीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।